हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे छठी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2023-24 की आवधिक परीक्षा द्वितीय PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। सबसे पहले गद्यांश आपको दिया है, उसे पढ़ना है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई भी विशेष चीज़ ना देखे? ये हेलन केलर कहती है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते, और लेखिका है हेलन केलर। नेक्स्ट। लेखिका को क्या असंभव लगता है? लेखिका को असंभव लगता है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई भी विशेष चीज ना देखे। खा खान सर। आगे, लेखिका को दिखाई नहीं देता, फिर भी वह किन चीज़ों को पहचान लेती है और कैसे? तो लेखिका को दिखाई नहीं देता, फिर भी वह भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को पहचान लेती है। कैसे? स्पर्श से। वह इन चीज़ों को स्पर्श से, या फिर आप कहेंगे छूकर पहचान लेती है। नेक्स्ट। वसंत के मौसम में लेखिका क्या खोजती है? वसंत के मौसम में लेखिका टहनियों में नई कलियां खोजती हैं। नेक्स्ट। रोचक और स्पर्श शब्दों के अर्थ लिखिए। रोचक मतलब मनोरंजक और स्पर्श मतलब छूना। नेक्स्ट। अब एक पद्यांश है, पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, ये झांसी की रानी वाले पोएम से है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरशी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। पहले कविता और कवित्री का नाम लिखिए। तो कविता है झांसी की रानी और कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट। आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? इसमें नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे, मनु था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी। आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कौन सहेली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहेली बरछी ढाल कृपाण और कटारी थी। घ। नेक्स्ट। कृपाण शब्द का अर्थ लिखिए। कृपाण मतलब तलवार। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? नागराजन ने जो एल्बम थी उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था AM नागराजन, जिससे कि कोई उसे चुराए ना। और उसने ऐसा इसलिए लिखा ताकि कोई एल्बम को चुराने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट। आगे, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? अब या तो इसमें वो सभी चीजें आप लिखेंगे जो गिवन है चैप्टर में, नहीं तो आप कह सकते हैं प्रकृति का जादू, प्रकृति के सौंदर्य और उसमें हुए बदलावों को कहा गया है, और उसमें सौंदर्य में हो रहे निरंतर बदलावों को कहा गया है। और अगर सभी आप लिखेंगे, 2 मार्क है तो इतना भी चल जाएगा। अगर ज़्यादा का होता तो आप बताते कि कहा गया है। प्रकृति का जादू, पेड़ों की खुरदरी छाल, पेड़ों की खुरदरी छाल, ऋतुओं में हुए परिवर्तन, ऋतुओं में हुए परिवर्तन,
बसंत में परिवर्तन, बसंत में खिली हुई नई कलियां, बसंत में खिली नई कलियां, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उनकी मखमली सतह और घुमावदार बनावट, फूलों की पंखुड़ियों की मुलायम सतह और उनकी घुमावदार बनावट, फिर घास के मैदान और पेड़ों के ऊपर चहचहाते पक्षी आदि, इन्हें कहा गया है प्रकृति का जादू। नेक्स्ट, इकट्ठा हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। डिफरेंट वेज में उन्हें आप क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि देशों के नाम के आधार पर, जिस देश के जो टिकट है उनको अलग अलग करके, ऐसे ही और आधार सोचकर लिखो, और समय के आधार पर उन्हें उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहले ये टिकट आया, बाद में ये, इस तरीके से समय के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, घटनाओं के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, महापुरुषों के नाम के आधार पर, घटना के आधार पर, महापुरुष जिनकी फोटो है उनके ऊपर, के नामों के आधार पर, फिर उनके आकार के आधार पर, के आधार पर आदि। नेक्स्ट, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर पेड़ों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, नदियाँ, समुद्र, चट्टानों के टुकड़े, और जानवरों की हड्डियों को कहा है। नेक्स्ट, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी, यहाँ का तापमान बहुत अधिक था। लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती का तापमान बहुत अधिक था, बहुत अधिक था, और यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, एवं जीवन संभव नहीं था। ठीक, नेक्स्ट, अब बाल राम कथा के आधार पर कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। सोने का हिरण का रूप किसने धारण किया? सोने का हिरण बना था मारीच। सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? उनके बड़े भाई का नाम था बाली। अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। बाली की पत्नी का क्या नाम था? बाली की पत्नी का नाम था तारा। जटायु के पंख किसने काटे? जटायु के पंख काटे थे रावण ने। अभी प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप कहेंगे सेवा में श्रीमान श्री प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, फिर एक लाइन के बाद दिनांक जब आप पत्र लिख रहे हैं, विषय अवकाश और छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय सविनय निवेदन है, कारण इसमें नहीं दिया तो कोई भी कारण आप दे सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं बा का छात्र हूँ, कक्षा लिखेंगे आप 6ठी बा का छात्र हूँ, या मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है इसीलिए मैं 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है इसीलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये लाइन सिर्फ बदलनी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, ब्रैकेट में वो 2 दिन लिखेंगे, आप 22 को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो 23 और 24 नवंबर का अवकाश प्रदान करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। नीचे आपका नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य और कक्षा। ओके, नेक्स्ट, आगे है, निम्नलिखित शब्दों में ईला प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। पत्थर, पत्थर से बनेगा पथरीला। कांटा, कटीला। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाकर इन्हें स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। जमघट मतलब होता है बहुत भीड़, तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे कि मेले में सुबह से ही जमघट लगा है, बहुत भीड़ है, यानी कि वहां पर मेले में सुबह से जमघट लगा है, या फिर कोई और इवेंट का नाम देकर वहाँ पर जमघट लगा है। तारीफ करना, तारीफ तो तारीफ ही होती है किसी किसी
के बारे में अच्छी बातें कहना। तो कक्षा में प्रथम आने पर, कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने, कक्षा अध्यापिका ने ने सोहन की बहुत तारीफ की, या किसी के काम की बहुत तारीफ की, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगवा। अच्छा, ये अगवा नहीं है, एक तो होता है अगवा करना, किडनैप करना किसी को, अगवा मतलब है आगे। तो हम कहेंगे भारत देश देश विकास के क्षेत्र में अगुवा बनकर उभर रहा है, उभर रहा है। आगे पांच इंद्रियों के नाम लिखिए, 5 senses। तो पांच इंद्रियां हैं, आंखें, आंख, कान, नाक, जीभ, और आँख कान नाक त्वचा, स्किन। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 6ठी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।